सब्सक्राइब कीजिए सबसे तेज न्यूज चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट समाचार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 55वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक विधायक देवेंद्र सिंह ने शिरकत की। शिक्षा का उन्नयन और आज के परिवेश में शिक्षकों के समक्ष चुनौती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक विधायक देवेंद्र सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ हमेशा से संघर्ष करती रही है। शिक्षकों के सामने कई समस्याएं हैं जिसकी रूपरेखा तैयार कर सरकार के सामने मजबूती के साथ रखा जाएगा। परशुराम के शिष्य ने एक बार गलती किया था, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। सभी लोग जानते हैं कौन ने उनके साथ झूठ बोला था और कहा हमारी और आपकी जो पीढ़ी है, हमारे और आपके पहले की पीढ़ियों ने हमको जो हिंदुस्तान दिया था, जो आजमगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद रवि सिंह साहब, हम लोगों के ये माध्यमिक शिक्षक संघ का 56वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में शिक्षक हितों के लिए संघर्ष की एक लंबी रूपरेखा तय की जाएगी। पिछले 20-22 वर्षों से तदर्थ शिक्षक, जो योग्यताधारी और अर्हताधारी तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके विनियमितीकरण का गंभीर मुद्दा सरकार के सामने प्रस्तुत है। दूसरा एक बड़ी बड़ी लड़ाई है वित्तहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर उनको सम्मानजनक मानदेय देने के लिए। इन सब सवालों पर माध्यमिक शिक्षक संघ मंथन करेगा, चिंतन करेगा और आगे की रूपरेखा तय करेगा।